हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले है बॉडी मूवमेंट्स। तो आप आराम से बैठ के, बिना हिले डुले, आराम से बैठ के अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट हो रही है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी आईज ब्लिंक हो रही हैं, मूवमेंट हो रही है। आप ब्रीथ कर रहे हैं तो बॉडी में मूवमेंट हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी मूवमेंट। अब ये नहीं है कि जब आराम से बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, तभी आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप राइड कर रहे हैं या जंप कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं। मतलब आपकी बॉडी में जो पार्ट्स हैं वो बेंड कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई मूवमेंट जरूर होती है। अब ये जो मूवमेंट होती है ना, ये भी दो तरह की होती है। तो सबसे पहले होती है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब आप अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करते हैं, मूव करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। मतलब जैसे अगर आप क्लास में अपने बेंच पे बैठे हुए हैं, आपकी मैम जो है, टीचर जो है, वो ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी हैं, उन्होंने आपका नाम लिया, तो आप उठ के अपने बेंच से अपनी टीचर के पास गए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? लोकोमोशन। क्योंकि आपने क्या किया, अपनी पूरी बॉडी को आपने डिस्प्लेस किया एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे लेके गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। और दूसरा टाइप क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट किसे कहते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। इसमें भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन इसमें जो है आपका कोई बॉडी का पार्ट जो है वो मूव कर रहा है, उसकी पोजिशन चेंज हो रही है, आपकी पूरी बॉडी की चेंज नहीं हो रही है। मतलब आप अपने बेंच पे बैठे हैं, आपकी टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे कुछ काम लिख रही है और आप उसे नोट डाउन कर रहे हैं अपनी नोटबुक में, तो आपके आपकी जगह तो वही है, आपकी पूरी बॉडी जो आपकी बेंच पे ही है, लेकिन आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स मूव कर रहे हैं। आपका हैंड मूव कर रहे हैं क्योंकि आप राइट कर रहे हैं, कुछ कोई ना कोई पार्ट जो कुछ पार्ट है उसमें मूवमेंट हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं, वो होता है सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट। अब हमने देख लिया कि बॉडी मूवमेंट्स किसे कहते हैं। अब ये बॉडी मूवमेंट्स होती कैसे हैं? हमारी बॉडी में क्या होती है? बोन्स होती है, वो तो हार्ड होती है, तो मूवमेंट होती कैसे है? ये मूवमेंट्स होती है जॉइंट्स की वजह से। अब ये जॉइंट्स क्या होते हैं, हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज जॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स किसे कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट। ये वो पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आके मिलती हैं। तो जॉइंट्स क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आके मिलती हैं। वी आर एबल टू बेंड और मूव अवर बॉडी पार्ट एट दो प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। हम अपने बॉडी के पार्ट्स को वहीं पर बेंड या मूव कर पाते हैं, उन्हीं प्लेसेस पे इन्हें मूव कर पाते हैं जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आके मिलती हैं। और जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आके मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। तो बेसिकली जॉइंट्स की वजह से ही हम अपने बॉडी के पार्ट जो हैं उन्हें बेंड कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। अब हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जहां जहां पे मूवमेंट होती है, वहां वहां पे क्या है? वहां पे जॉइंट्स हैं। तो उन जॉइंट्स की वजह से ही हम अपने बॉडी के पार्ट्स को जो है मूव कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं। अब फिर से आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। अब आपकी जो लोअर आर्म है, उसे आप एल्बो से मूव कर पा रहे हैं? आप अभी इसी टाइम पे मूवमेंट करके देखिए, आप अपनी लोअर आर्म को जो है एल्बो से मूव कर पा रहे हैं ना, तो वो मूवमेंट क्यों हो पा रही है? क्योंकि हमारी एल्बो पे क्या है? जॉइंट है। वो जॉइंट की वजह से जो है हम अपनी आर्म को मूव कर पा रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, एक बड़ा सा स्केल ले लीजिए और अपनी पूरी आर्म में उस स्केल को थ्रेड से बांध दीजिए, तो फिर आप अपने लोअर आर्म को एल्बो से मूव कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे ना। हमने क्या किया, उस जॉइंट को हमने रोक दिया है। तो ये बेसिकली मूवमेंट कैसे होती है, हम अपने बॉडी के पार्ट्स को जो है बेंड या मूव कैसे कर पाते हैं? जॉइंट्स की वजह से। अब जैसे एल्बो पे हमारे जॉइंट है, वैसे ही जो बाकी पार्ट्स में जो मूवमेंट होती है, अब सिर्फ हैंड में तो मतलब अपनी आर्म को ही तो सिर्फ हम मूव नहीं कर पाते ना, मूवमेंट तो हमारे लोअर जॉ में भी होती है, फिंगर्स में भी होती है, फोर आर्म में भी होती है, लेग में भी होती है। तो वो मूवमेंट किसकी वजह से होती है? जॉइंट्स की वजह से। तो हमारी बॉडी के जो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। वो जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उनकी मूवमेंट होती है, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे बॉडी के पार्ट्स, जहां जहां पे बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, बेंड करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं? जॉइंट्स की वजह से। अब हमें यह पता चल गया कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है वो मूव कैसे करते हैं? जॉइंट्स की वजह से। पर जब मूवमेंट होती है, अब जॉइंट कैसे बनता है? जब दो या दो से ज्यादा बोन्स आके मिलती हैं, तो वहां पर जॉइंट बनता है। तो जॉइंट की वजह जब मूवमेंट होती है, तो वो बोन्स जो इन्वॉल्व होती हैं उस मूवमेंट में, वो एक दूसरे से दूर नहीं चली जाती जब मूवमेंट होती है, तो उन बोन्स को होल्ड करके कौन रखता है? उस जॉइंट को स्टेबलाइज करके कौन रखता है?
उसे होल्ड करके रखता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू दैट होल्ड द एंड्स ऑफ द बोन टुगेदर। तो लिगामेंट क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है। तो जो बोन्स होते हैं उनके एंड्स को ये होल्ड करके रखता है, ये जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखता है। तो जहां पे जॉइंट्स पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आके मिलती हैं, तो उनके जो एंड सरफेस होता है, बोन्स का जो एंड सरफेस होता है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बिल्कुल इलास्टिक होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये बोन्स को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। जब मूवमेंट होती है तो बोन्स जो है एक दूसरे से दूर ना चली जाए, तो उन बोन्स को होल्ड करके कौन रखता है? लिगामेंट, ये जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखता है। अब लिगामेंट के साथ साथ वहां पे एक और चीज होती है, उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? इट इज अ सॉफ्ट एंड स्मूथ टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स द बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। कार्टिलेज पे एक टिश्यू होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होता है। ये क्या करता है? हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब जब मूवमेंट होगी जॉइंट्स की वजह, जब बॉडी के पार्ट्स मूव करेंगे, जब वो बोन्स मूव करेंगी, तो वो एक दूसरे से बार बार रब कर रही है, मूवमेंट हो रही है तो एक दूसरे को रब कर रही है, तो ऐसे तो बोन्स जो है हमारी डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि बार बार एक दूसरे को रब करेंगे तो वियर एंड टियर हो जाएगा, तो हमारी बोन्स जो है वो तो डैमेज हो जाएंगी। तो उन बोन्स को प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? उसे प्रोटेक्ट करता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? ये भी एक टिश्यू है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। तो लिगामेंट के साथ साथ वहां पे एक कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है, जो बोन्स के एंड के सरफेस होते हैं, जहां पे आके जॉइंट बनता है, वहां पे कार्टिलेज भी होता है जो हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब मूवमेंट हो रही है, एक दूसरे को बोन जो है रब करी मूवमेंट की वजह से, तो वो डैमेज ना हो जाए, वियर एंड टियर ना हो जाए, तो उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? कार्टिलेज। अब कार्टिलेज के साथ साथ वहां पे ऑयल भी प्रेजेंट होता है। देयर इज अ थिक ऑयल लिक्विड इज प्रेजेंट बिटवीन द एंड्स ऑफ बोन्स व्हिच लुब्रिकेट्स द कार्टिलेज एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो जो बोन्स के एंड सरफेस होते हैं, जहां पे आके जॉइंट बनता है, जहां पे जॉइंट होता है, जो बोन्स के एंड सरफेस होते हैं, वहां पे ऑयल भी प्रेजेंट होता है, एक थिक ऑयल भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता रहता है? कार्टिलेज को लुब्रिकेट करता रहता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता रहता है। अब जैसे आपके डोर्स होते हैं, हमारे दरवाजे होते हैं, अब जब उसे हम ओपन एंड क्लोज करते रहते हैं बार बार, तो क्या होता है? कुछ टाइम बाद उसमें से आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? जो डोर के हिंज होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं? ऑयल डाल देते हैं, उसे लुब्रिकेट कर देते हैं। तो जिससे क्या है, वो बिल्कुल डोर की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो वैसे ही ये जो बोन्स के एंड सरफेस होते हैं, जहां पे जॉइंट बनता है, वहां पे एक थिक ऑयल भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता रहता है? उसे लुब्रिकेट करता रहता है, और इसलिए जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जब रबिंग हो रही है, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उसे वो रिड्यूस भी करता रहता है कि डैमेज ना हो, जो बोन्स को है वो प्रोटेक्ट करता रहता है। तो हमने जॉइंट्स के बारे में देख लिया कि जॉइंट्स किसे कहते हैं, और वहां पे जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिगामेंट, कार्टिलेज और ऑयल, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम देखते हैं कि जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले है हिंज जॉइंट, सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड इज पिवट जॉइंट एंड फोर्थ इज फिक्स जॉइंट। तो जॉइंट जो है वो फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज हिंज जॉइंट, सेकंड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड इज पिवट जॉइंट एंड लास्ट इज फिक्स जॉइंट। अब इन चारों जॉइंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया? बॉडी मूवमेंट्स के बारे में और जॉइंट्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।